GoPro 11। Hey guys, आज का अनबॉक्सिंग एक स्पेशल प्रोडक्ट रहने वाला है। यस, GoPro 11 लाया हूं मैं आज आपके लिए। इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। प्रीवियस सितंबर 2022 में GoPro 11 का लॉन्च किया, उसी के टाइम पे DJI Osmo का भी लॉन्च हुआ। अगर DJI Osmo का अनबॉक्सिंग देखना है तो आप ऊपर नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हो। आज हम लोग इसका अनबॉक्सिंग, इनिशियल सेटअप एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड क्वेरीज को देखेंगे। तो GoPro 11 का पूरा रिव्यू के लिए और एक वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगा इसका प्रॉपर टेस्टिंग के बाद। तो GoPro 11 का रेट MRP है 59,300, बट रिलायंस डिजिटल में आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट में एंड बहुत ही ज्यादा चीप रेट में मिल जाएगा। ऑनलाइन तो पता नहीं, बट मैंने ऑफलाइन खरीदा है रिलायंस डिजिटल में, वहां पे मुझे 46,000 अराउंड पड़ गया। तो इसमें आपको दो एडिशन मिल जाएंगे जहां तक मुझे पता है। पहले वाला है स्टैंडर्ड एडिशन एंड सेकेंड वाला है स्पेशल बंडल। तो मैंने स्पेशल बंडल खरीदा है जो कि यहां पे एडिशनल एक्सेसरीज के आता है, एडिशनल बैटरी के साथ आता है। तो बॉक्स आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही यूजुअल सा बॉक्स है। क्वालिटी बॉक्स का बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट एडवांटेज ये है कि GoPro के कोई भी वर्जन ले लो, आप एक केस के साथ आता है जो आप कहीं पे भी GoPro 11 को लेके जा सकते हो एंड इजी कैरी कर सकते हो। तो करें अनबॉक्स। पहले भी बताया था कि मैंने स्पेशल बंडल खरीदा है इसका, तो एडिशनल एक्सेसरीज भी यहाँ पे मिल रहा है जो आप देख रहे हो GoPro के साथ। तो एक्सेसरीज को देखते हैं। इसमें पहला वाला है GoPro का ये हैंडलर, एंड साइड कंपार्टमेंट में आपको दिख जाएगा ये स्टिकी वाला क्लिप। यहाँ पे आपको एक एडिशनल एंडुरो बैटरी मिल जाएगा। टोटल आपको दो GoPro के बैटरीज मिल जाएंगे। कंपनी क्लेम करती है एंड्रो बैटरी के बैकअप पिछले वाले बैटरी से कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। उसके साथ ही आपको इस वाले कंपार्टमेंट में एक क्विक क्लिप मिल जाएगा जो कि क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्लिप करके यहाँ पे GoPro को डायरेक्टली माउंट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे नीचे वाले कंपार्टमेंट में आपको दो स्क्रू मिल जाएंगे और उसके अलावा एक USB केबल भी मिल जाएगा एंड एक हेड स्ट्रैप भी मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही इजी रहेगा आपके GoPro को कनेक्ट करने में। तो फाइनली ये है GoPro 11 जो कि अच्छे से रैप किया है पेपर से सारे लेंसेस पे एंड LCD स्क्रीन पे। तो चलिए GoPro के सारे रैपर हटाते हैं एंड इसका इनिशियल इंप्रेशन देखते हैं डिजाइन वाइज कैसे बना है। तो ये है गाइस हमारा GoPro 11। डिजाइन वाइज एकदम बॉक्सी एंड प्रोफेशनल लुक लग रहा है। आप पहले GoPro 8 एंड 9 कंपेयर करोगे तो आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, बट इसका एक बिगेस्ट एडवांटेज है, आपके पास अगर एक्सेसरी है उनके तो आप डायरेक्टली GoPro 11 के साथ यूज कर सकते हो एंड इतना सारा कॉस्ट आपको बचेगा क्योंकि अननेसेसरी आपको फिर से वही एक्सेसरीज खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो GoPro के फ्रंट साइड में आपको लेंस जो कि बॉक्सी शेप में मिलेगा जो आप रिप्लेस भी कर सकते हो क्योंकि डिटेचेबल है, इनकेस आप स्क्रैच हो जाता है कई कंडीशंस में। और यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन मिल जाएगा जो कि आप रिकॉर्डिंग के द्वारा आपको देख सकते हो, बट ये टच डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल डिस्प्ले है। तो ऊपर के साइड में यहाँ पर आपको वीडियो कैप्चर वाला बटन मिल जाएगा, उसके वाला और एक माइक मिल जाएगा। राइट साइड में जो आप स्पेस देख रहे हो इसको पुश करके ओपन कर सकते हो एंड बैटरी एंड SD कार्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। चलिए इंसर्ट करके देखते हैं बैटरी कार्ड। तो
तो बैटरी एंड सेसडी क्लाड के शॉर्ट के अलावा यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। मुझे ये डिसएडवांटेज लगा क्योंकि बार बार चार्ज करने के लिए आपको ये वाला केस ओपन करना पड़ेगा, फिर चार्ज रखना पड़ेगा। पीछे के साइड में आपको फोल्डिंग फिंगर्स दिया गया है जिसकी मदद से आप GoPro को माउंट करोगे। चलिए इसको माउंट करते हैं हैंडल से। तो हैंडलर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप ऊपर नीचे घुमा सकते हो, पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सेल्फी वीडियो लेने में भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल है, कुछ भी इश्यू नहीं होगा। आपको लेफ्ट साइड पे एक पावर वाला बटन एंड GoPro का लोगो भी दिख जाएगा। तो GoPro के फाइनल सेटअप के लिए आपको GoPro का क्विक ऐप लगेगा। GoPro का क्विक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो एंड इजीली इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हो। तो एप्लीकेशन में आपको ऐड डिवाइस करना है, डेट एंड टाइम सेटअप करना है, देन फाइनली वर्जन को अपग्रेड करना है। ये रहा अपना GoPro सेटअप रेडी है। इसका इनिशियल इम्प्रेशन डिजाइन वाइज मुझे बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगा। तो मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग किया है DJI Osmo Action 3 कैमरा का, उसका आपको वीडियो लिंक ऊपर नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये रहा GoPro 11, जो कंपेयर किया जाए तो एक्सेसरी वाइज मुझे DJI Osmo का एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बट कंपेयर करें आप वीडियो क्वालिटी फोटो क्वालिटी तो GoPro 11 इज नंबर 1। तो गाइज GoPro 11 का अनबॉक्सिंग हो चुका है, तो मैं इसको टाइम लेके डिटेल में टेस्ट करूंगा और थोड़े बहुत वीडियो आपके लिए सैंपल लूंगा एंड इसका डिटेल रिव्यू कुछ ही दिनों में आपके पास शेयर करूंगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और बेहतरीन प्रोडक्ट लाते रहूंगा। तो देखते रहिए अपना चैनल, और आप नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। धन्यवाद।